दो चीज़ों के लिए है। हेलो, देखो माइक अब भी बर्बाद दिया है इन्होंने। हेलो, चाल है इनके अंदर, कोई गिनती नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो चीज़ों के लिए है आज। पहला इशू एक है कि कुछ मीडिया जो अमित मालवीय हैं, बीजेपी के जो मीडिया एडवाइज़र हैं, उन शाहीन बाग के जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं उन पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि 500-700 रुपये लेके यहाँ पे बैठी हैं। तो दो यहाँ की महिलाओं ने उनको लीगल नोटिस दिया था, एक इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि जो हमारी सीनियर, जो यहाँ पे सबसे सीनियर महिलाएं हैं, 400 या 500 बैठी थी यहाँ पे शुरू से, जिनको NDTV पे भी दिखाया गया था, उनमें से शायद कुछ 2-3 हमारी जो दादी अम्मा हैं उनको LG साहब के पास ले जाया गया है, जबकि ये पूरी तरीके से अनऑथराइज बात है कि जिसको भी आना है, जो भी बात करनी है वो यहाँ आके करेगा। इस तरीके से किसी को बरगला के कहीं ले जाना जो है गलत हो। ये दो टॉपिक्स पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सभी लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला टॉपिक जो लीगल नोटिस का था, हमने वो लीगल नोटिस दिया है कि अमित मालवीय बीजेपी के जो एक तरह से स्पोक्स पर्सन ही है, यहाँ की जो महिलाएं हैं जिनको पूरी दुनिया में सलाम मिल रहा है और वो मिसाल बनी हुई है भारत के संविधान और भारत को बचाने के लिए पूरी दुनिया में, और उसके बाद जो रेप्लिकेट हुआ है पूरी दुनिया में उसकी भी मिसाल है कि आज शाहीन बाग के नाम से कम 1000 जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं उनकी हौसले हिम्मत को बदनाम करने के लिए एक बार फिर ये कहा गया कि ये पैसे से हो रही है। तो ये जो उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं हुई, बहुत सारे यहाँ पे सरकार के टच में, RSS के टच में लोग हैं, उन्होंने आके यहाँ पे तरह तरह की साजिश की, लोगों को डराने की कोशिश की, यहाँ पे आप पुलिस एक्शन हो जाएगा, यहाँ पे गोली चला देंगे, यहाँ पे कमरे राइज करा देंगे। जब किसी भी चीज से यहाँ के लोग नहीं दबे तो लास्ट चार्ज जो उनकी ये है कि उन्होंने इस तरह का घिनौना इल्जाम लगाया। तो हमने उनको लीगल नोटिस दिया है, उनको और 5 मीडिया हाउसेस को, जिसमें रिपब्लिक TV, अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, ZTV, हाँ ZTV और रिपब्लिक TV, टाइम्स नाउ, इंडिया TV, इन सभी लोगों को लीगल नोटिस दिया है 1-1 करोड़ रुपए का। और ये भी कहा है कि इसके खिलाफ, आपके खिलाफ हम क्रिमिनल केस भी करेंगे, जिसके 2 साल तक की सजा। रिपब्लिक TV आप दोबारा सुन ले, रिपब्लिक TV, TV18, टाइम्स नाउ, न्यूज नेशन एंड जी न्यूज, ये आपको सभी को इतला के लिए कि हम इनके एडिटर्स को और जिन लोगों ने, इसमें सबसे बड़ी बात यह है जर्नलिज्म का, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं ये बात जानते हैं कि वन साइड जो स्टोरी चलाई जाती है उसमें कम से कम ये फर्ज होता है जर्नलिस्ट का कि वो दूसरा वर्जन भी लिए। तो अमित मालवीय साहब का साजिश के तहत RSS और BJP के साथ साजिश में मिलकर इन जो मीडिया हाउसेस हैं ये न्यूज चलाई थी, दूसरी साइड का यानी कि यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं उनका वर्जन लिए बगैर। तो और जिन लोगों ने ये कंप्लेंट की है, जिनका मैं वकील हूँ, उनके 2 लोग हैं, वो एक शहजाद फातिमा, नफीसा बानो, तो इन दोनों ने ही ये कंप्लेंट की है, लेकिन ये सभी महिलाओं के बिहाफ पे की है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी महिलाओं के बिहाफ पे नहीं है, क्योंकि ये एक अलग से शाहीन बाग जो है अपने आप में एक मिसाल बन चुका है, ये अलग से देश में सबसे अलग डिस्ट्रिक्ट ग्रुप बन चुका है। तो इस पे एक बात यह है। अब दूसरा जो और भी महत्वपूर्ण इशू है, इससे भी ज्यादा, जो हम समझते हैं कि एक और तरह से साजिश है शाहीन बाग को नाकाम करने की, शाहीन बाग को खराब करने की, और जो पूरी दुनिया में आज शाहीन बाग मिसाल बना हुआ है, सरकार किसी भी तरह उसको किसी भी तरह यहाँ से हटवाना चाहती है। तो आज जो हमारी सीनियर मोस्ट जो यहाँ की प्रोटेस्टेंट है, उसको, प्रोटेस्टर्स को जो इस तरीके से बगैर बताए, यहाँ की पूरी जनरल बॉडी से इजाजत लिए बगैर अगर लेके जाया जाता है, तो इसके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ये भी हम अभी यहाँ से ही महिलाएं चुनेंगे जिनके नाम से ये हम लीगल नोटिस भी देंगे, और
पुलिस पे कंप्लेन भी करेंगे कि इस प्रकार से धोखाधड़ी करके ये हमारी सीनियर मोस्ट जो लेडीज थी उनको ले जाया गया यहाँ से, और यहाँ की जनता का कोई भी उसमें वो नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी, और कोई भी ऑथराइज नहीं है किसी भी अथॉरिटी से बात करने की। एक बात यहाँ पे हम जनरल बॉडी में एक बार नहीं कई बार कहवा चुके हैं कि किसी भी अफसर को, मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को आना है तो वो यही आएगा। सारी जो यहाँ पे पूरी जो ये फुल हाउस बैठा है उसके सामने बात होगी और माइक पे बात होगी। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आके बगैर माइक के कोई बात कर ले। एलजी साहब मोस्ट वेलकम है, यहाँ आए माइक पे बात करें, हम भी उनके सामने बैठेंगे, अपने लीगल पॉइंट्स बताएंगे कि CA NRC किस तरीके से मुझे यहाँ का लीगल एडवाइजर बनाया गया, तो मैं बताऊंगा किस तरीके से CA और NRC इलीगल है, भारत के संविधान के विरुद्ध है, किस प्रकार से भारत के संविधान के खिलाफ साजिश हो रही है। और दूसरा ये कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का 144 के कानून है उसके तहत हो रहा है, कोई भी इलीगैलिटी नहीं है यहाँ पर। तो ये दोनों बातें हम बताएंगे, और लेकिन बताएंगे तब कि जब ये बातचीत पूरा जो यहाँ का फुल हाउस है उसके सामने होगी इसी स्टेज पे बैठ के, और दूसरा माइक पे होगी, सबके पास माइक होंगे ताकि पूरा फुल हाउस सुने। उसके बाद हम यहाँ वोटिंग कराएंगे, और वोटिंग के बाद हाँ या ना करने की ताकत है, ये ताकत मैं यहाँ का अकेला लीगल एडवाइजर हूँ, मुझे भी नहीं है, किसी को ये ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है जब तक कि यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी। एक मिनट सवाल, एक एक बात और बता दूंगा, उसके बाद सवाल जवाब दूंगा। यहाँ के जो जॉइंट CP है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हैं यहाँ के लोगों की, जहाँ के जो हमारे शाहनवाज साहब है और दूसरे भी लोग हैं उनको ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन बंद करें। कोई भी कम्युनिकेशन करनी है यहाँ की इस प्रोटेस्ट के बारे में तो मैं बार बार ऐलान कर चुका हूँ, मुझसे करें किसी और से ना करें, मैं यहाँ का लीगल एडवाइजर हूँ। लेकिन अगर इस प्रकार की धमकियाँ जारी रहेंगी हमारे लोगों में, आप डराते की चेष्टा करते रहोगे तो मैं पुलिस अधिकारियों को बार बार निवेदन भी कर रहा हूँ और ताकीद भी कर रहा हूँ कि हमें मजबूर ना करें कि हम आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करें। तो मेहरबानी करके ये धमकीबाजी, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन बंद करें, किसी से बात ना करें, जो बात करनी है यहाँ के बारे में मुझसे बात करें, मैं जवाब दूंगा, और कोई और जो बात होगी यहाँ के प्रोटेस्ट के बारे में तो यहाँ पे ओपन हाउस में होगी, माइक पे होगी, वोटिंग के बाद होगा उसके फैसला, और किसी की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है किसी की। लगातार 33 दिनों से मैं इसको कवरेज कर रहा हूँ, अलग अलग लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आपसे कि देश को आप बताएं कि आप लीगल एडवाइजर किस लोगों ने आपको चुना है, कौन टीम में लोग हैं, पत्रकारों को कंफ्यूजन है इस बात को लेकर। मुझे देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया मेरी भी कोई हैसियत नहीं है, मुझे कंफ्यूजन में कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं सबके सामने कैसे प्रोसीजर चल रहा है। प्रोसीजर ऐसे था कि यहाँ फुल हाउस था, यहाँ पे जब 1 लाख से भी ज्यादा लोग थे तब हमने पहले ये पूछा था कि यहाँ के लोग क्या हमें लीगल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, तो सब ने हाथ उठाए थे, उसके बाद हाँ की थी। उसके बाद हमने ये सवाल भी पूछा था कि किसी को कोई एतराज है इस बात में, तो सब ने, किसी ने भी एक ने भी हाथ नहीं उठाया, और सबकी सहमति से मुझे बनाया गया था लीगल एडवाइजर। और यहाँ के बाद सब जगह का लीगल एडवाइजर, अभी मैं रोशनबाग में भी गया था, वहां भी यही प्रोसेस से बन रहा है। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ मेरी भी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि मैं यहाँ के लोगों को ये कह सकूं कि यहाँ से उठ जाओ, ये इस कंडीशन पर लीगल एडवाइजर उठ जाओ, मेरी भी कोई औकात नहीं है। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो आइडेंटिफाई हो सकता, मगर मेरी भी कोई औकात नहीं है। सिर्फ औकात ये है कि मुझे जो यहाँ से मुझे जो मैंडेट मिला है, जो मुझे मैंडेट मिला है ये कि यहाँ से ये नहीं उठेगा, ये मैंडेट है, और कोई भी इसके उठाने के बारे में सवाल करता है तो मैं उठाने से रोकूंगा, यही मैंडेट है मेरा। मेरा भी कोई मैंडेट नहीं है, किसी का कोई मैंडेट नहीं है, किसी की कोई औकात नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। आपके यहाँ डेलीगेशन में कुछ ऐसे लोग थे जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसमें कुछ BJP के लोग थे, हाउ डिड यू ऑथराइज देम और डिड यू ऑथराइज देम टू गो एज पार्ट ऑफ डेलीगेशन? नोबडी इज ऑथराइज, मैंने आपको प्रोसीजर बताया, फिर मुझे भी ताकत नहीं है किसी को ऑथराइज करने की, तो मैं कैसे करूँगा। ऑथराइज होगा फुल हाउस में होगा, यहाँ पे वोटिंग से होगा, वैसे कोई ऑथराइज नहीं है। एक बात के लिए सब ऑथराइज है, पूरा देश पूरी दुनिया ऑथराइज है कि शाहीन बाग यहाँ से नहीं हटेगा। दूसरा, और कोई भी यहाँ गैर कानूनी काम होगा
तो उसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ये दो ऑथराइजेशन पूरी दुनिया में सबको है, तीसरा कोई ऑथराइजेशन यहाँ पे नहीं है जब तक के CAA NRC नहीं हट जाता। और जो हमारी दूसरी मांगे हैं, सरकार माफी नहीं मांगती, अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते, योगी जी इस्तीफा नहीं देते, जब तक किसी को पावर है ही नहीं तो ऐसी बात पे बहस करना या डिस्कशन करना ही मैं समझता हूँ फिजूल है। किसी को कोई पावर नहीं है तो इस पे कम से कम अनऑथोराइज है, अनऑथोराइज कोई किसी के लिए भी जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑथोराइजेशन पूरी दुनिया को है, सबको है कि शाहीन बाग यहाँ से नहीं हटेगा, ये कहने की ऑथोराइजेशन पूरी दुनिया को सबको है। RSS के लोगों को भी ये ऑथोराइजेशन है, सबको है, यहाँ से हटेगा नहीं जब तक CA NRC और NPR नहीं हट जाता। इसके अलावा कोई ऑथोराइजेशन है ही नहीं। आप खुद बोले कि मैं उसका लीगल एडवाइजर हूँ, जो बात करनी है आप उनसे बात करिए, इलाके के लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर, आप पुलिस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन। देखिए पुलिस तो पहले यहाँ से किडनैपिंग करके अबडक्शन करके लोगों को ले जा रहे हैं, जब मैं जाऊंगा तो FIR कराने जाऊंगा, कोई ओकेजन ही नहीं है ना, मुझसे मना कर देते। कल भी एक व्यक्ति ने फोन पे बात की शाहनवाज साहब ने और बात कराने की कोशिश की SHO साहब से, तो बात ही करना बंद कर देते, फोन ही काट दिया। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना, आप तो कुछ भी केस करना है NSA लगानी है मेज पे लगाओ, मगर मैं भी मुझे जेल में रखो कहीं भी रखो जब तक यहाँ की ऑथोराइजेशन नहीं है। ऑथोराइजेशन मुझे इसी बात की है कि ये मैं एक्सप्लेन करूँ लोगों को कि कैसे कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कि ये यहाँ से नहीं हटेगा, तीसरी ऑथराइजेशन तो मेरे पास भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक एक जो साजिश चलती है RSS की, और अब जिसकी साजिश का हिस्सा ये भी है, आज हमारी ये दादी बैठी भी है यहाँ देख लें आप इन्हें, तो अब इनको ले जाए कोई कुछ बता के और वहाँ कुछ और करे तो वो अब्डक्शन है और उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई। क्योंकि NDTV ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, यहाँ के देखे कंफ्यूजन जनता में भी बहुत है, NDTV ने यह खबर आज ब्रेक किया है, तीन तारीख इसे प्रोटेस्ट से लेके गई NDTV का ब्रेकिंग नहीं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, दादियों को भी प्रोटेस्ट नहीं है, इसमें जो हरे रंग के साथ है ना वो ज्यादा खतरनाक है। तो हम लोग सब लोगों से होशियार रहते हैं, यहाँ किसी को पावर नहीं है, किसी को भी नहीं है, दादियों को नहीं है, मुझे नहीं है, यहाँ पे एक एक आदमी किसी से पूछे किसी को ऑथराइज। ये जॉइंट हाउस होता है, इसका कॉन्सेप्ट जर्नलिस्ट से ज्यादा कौन जानेगा, जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ये जन पार्लियामेंट है, जन पंचायत है। सरकार के लोग किसी से बात called? Or what are the next, you know, there is public inconvenience, there are certain issues being created, so what is the next step from your public, side? Public inconvenience, I'll answer that question first. There is no public inconvenience. Yeah, this is a big myth. There is more public, there is another way. वो कौन सा रास्ता होता है? नहर वाला रास्ता भी है, nobody is using that. Public, what next? Basically, this question is relevant and I'll answer other questions also. For this question, this is a myth that there is any inconvenience to people. People of Shaheen Bagh are feeding them. People of Shaheen Bagh have refused to take rent from the market people. People of Shaheen Bagh come here in packs. There is no inconvenience. It is with the mandate of people of Shaheen Bagh and people living around here and passing through this route that this procession is happening. This and everything, even then, if ambulance or any emergency is there, everybody can go. So there is, first thing is, there is no inconvenience, this is a myth, as big a myth as that 500 to 700 rupees are being paid to these people. So that is a myth. One. Two. There are various ways, constitutional ways. Since state governments have not been consulted, state governments are also approaching the Supreme Court. Supreme Court is empowered to stay this proceeding till such time the parliament takes action. There are other ways also, but I would say that I am explaining it on the legal aspect also. People of the country have withdrawn the power to vote on CA NRC, and that is why they are on streets in droves.
So these members of parliament who are bound by their party dictates and three line whips, they are being told by the people that you do not have mandate to pass this bill. We did not allow, even we have withdrawn that part. So that is our conceptual argument for this protest being in perfect harmony with the constitution. आप वकील हैं, लीगल एडवाइजर कह रहे हैं, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिससे डायरेक्ट बात की जाए? जैसे अभी कोई एक बंदा लेके एलजी के पास चला गया तो किससे कहाँ बात करें? मीडिया वालों को भी बहुत परेशानी हो रही है, कोई कुछ आकर कुछ बोलता है, कोई कुछ आकर बोलता है, कोई हमें हम लोग से भी मिसबिहेव करता है। ये आपका सजेशन बहुत अच्छा है, इस पे हम एक कोशिश करेंगे। तक ऐसा है या नहीं है कोई एक कमेटी जिससे हम बात कर सके? अभी अभी तो ये फुल हाउस ही है, इसमें हम कोऑर्डिनेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसी कोऑर्डिनेशन होगी उसमें बहुत सारी शरायत होगी। कोई भी आदमी जिसका पॉलिटिकल कोई भी मोटिव है वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है। बट दिस इज अ सजेशन विच इज वेल टेकन। वी विल ट्राई टू मेक अ कोऑर्डिनेशन कमेटी है सो दैट दे कैन टॉक टू, दे कैन बी द स्पोक्सपर्सन। बहुत परेशान है, एक महीना हो गया, जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर है। सर, सर जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं कि लार्जर वे में पब्लिक का ध्यान रखते हुए ये रास्ता खोल देना चाहिए, तो इसको लेकर के आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई या पुलिस से बात करेंगे? देखिए हम तो बार बार बता रहे हैं उन्हें कि ये कानूनी है, पुलिस एक्शन लेगी, हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे उनका एक्शन निरस्त करने के लिए, जैसे कि पीआईएल भी डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था हम पेश होंगे जामिया वाले केस में, तो उन्होंने कहा था कि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट करने का परफेक्ट राइट है। जो धारा 144 के कानून है सुप्रीम कोर्ट के, उसको पीसफुल प्रोटेस्ट यूज करने के और दबाने के लिए धारा 144 का प्रयोग नहीं हो सकता, इस पर लॉ क्लियर है। इसीलिए ट्वीट कर रही है दिल्ली पुलिस, कोई कानूनी कार्रवाई हमें करेंगे तो हम उसका परफेक्ट जवाब देंगे, इसलिए नहीं करना। आज चंद्रशेखर आजाद साहब की भी बेल हुई तो उनपे सारी रिस्ट्रिक्शन हटा गई, हटा गई, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो शाहीन बाग आने पे भी उनपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई रिस्ट्रिक्शन लीगल नहीं है, इसीलिए मुझे लीगल एडवाइजर बनाया गया विद दिस लिमिटेड। अगर कल सुप्रीम कोर्ट इसको अनकंडीशनल नहीं करता है तो मूवमेंट लगातार चलता रहेगा। मूवमेंट मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कह रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, मूवमेंट जब तक नहीं खत्म होगा। ये भी जनरल बॉडी ने पास किया है कि CA NRC बिल्कुल, जब तक कि हमारी लीगल एडवाइस से हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, जब तक ये नहीं हटेंगे कि दिस हैज बीन वैनिश्ड फॉर ऑल टाइम टू कम, अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे और योगी जी इस्तीफा नहीं देंगे। सर 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 एक सवाल सर 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 जिस प्रकार आप एक मिनट में हम जो LG साहब के सामने लेके जाया गया उसका पर्दाफाश बीच में काफी शायद मुझे पहले बुलवा देते हैं उसके बाद आइए आई।